Asalaamu as Alaikum, I'm Dr. Sana from ThabuAcademy.com. Today we'll be talking about prokaryotes. These are organisms which lack a membrane bound nucleus and other organelles, which also are membrane bound, such as Golgi apparatus, chloroplasts, and mitochondria. तो हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया विच इज अ वेरी कॉमन प्रोकैरियोट बैक्टीरिया और साइनोबैक्टेरिया साइनोबैक्टीरिया इज अ ब्लू ग्रीन टाइप ऑफ एल्गी बोथ कैन बी क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा एंड द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज के उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है यानी कि जो उनका डी एन ए है वो ऐसे ही सेल में फ्लोट कर रहा है उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है ये हर जगह पाए जाते हैं एयर लैंड वाटर और ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनिमल्स प्लांट्स सॉयल और फूड के अंदर भी अब जो कुछ बैक्टीरिया बुरे होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं जो लाइक जैसे गठ में पाए जाते हैं गठ का जो नेचुरल फ्लोरा होता है वो नेसेसरी होता है तो वो एनिमल्स में आप कह सकते हो वो गुड बैक्टीरिया हैं इवन जो सॉयल में भी होते हैं बैक्टीरिया वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को और वो और सॉयल बनवाते हैं तो इसी तरीके से दे ऑल्सो मेक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू एनिमल्स तो दे आर गुड बैक्टीरिया लेकिन फूड के अंदर अक्सर रॉ फूड के अंदर बुरे बैक्टीरिया होते हैं जो अगर एक एनिमल इंजेस्ट कर ले तो वो बीमार हो जाएगा तो लेट्स लुक दिस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टेरिया बैक्टीरिया के एक सेल में मेमब्रेन होता है जिसके अंदर डीएनए होती है अब डीएनए दो तरह की होती है एक होती है क्रोमोजोमल डीएनए जो कि अगेन एक मैम एक न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता वो ऐसे ही फ्लोट कर रहा होता है सेल में और दूसरा है सर्कुलर डीएनए जिसको हम प्लाजमेट कहते हैं उसके अलावा सेल के अंदर इतना और कोई स्ट्रक्चरली इतना कुछ नहीं है सिर्फ राइबोसोम्स हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स और जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो सब है क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकारट है और उसकी कोई मेम्ब्रेन ब्राउंड ऑर्गेनाइज नहीं है इसीलिए उसके अंदर इतने स्ट्रक्चर्स नहीं है प्लाज्मेट अब जो मैंने अभी कहा कि बैक्टीरिया को का जो डीएनए है वो दो तरह का होता है एक होता है क्रोमोजोमल जो इस तरीके से होता है और एक होता है प्लाज्मेट विच इज सर्कुलर डीएनए दिस इज आल्सो डबल स्टैंडर्ड एंड आल्सो कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन द साइज ऑफ बैक्टेरिया अब बैक्टेरिया का साइज़ ऑबियसली दे आर माइक्रोस्कोपिक आप उनको नेकड आई के साथ नहीं देख सकते यूनिडम माइक्रोस्कोप और इसीलिए उनकी जो मेजरमेंट्स है दे आर इन माइक्रोमीटर्स और समटाइम्स इवन नाइनोमीटर्स तो फ्रॉम जीरो पॉइंट वन टू सिक्स हंड्रेड माइक्रोमीटर्स ओवरऑल जो बैक्टेरिया के जनरल रेंज है वो ये है अब अगर हमको एग्जाम्पल्स देखें तो एक है ईकोल आई अब इसका जो शेप है वो है कि इसका विक्थ कम है और इसका लेंथ ज़्यादा है तो 1.3 पॉइंट थ्री माइक्रोमीटर्स बाई फोर माइक्रोमीटर्स स्पायरोस का जो लेंथ uh, है वो जनरली uh, 500 हंड्रेड माइक्रोमीटर्स तक भी जा सकता है और स्टैफिलोर स्टेप्टो कोकाई बिकॉज दे आर कॉकाई तो वो बेसिकली राउंड होते हैं उनका डायामीटर 0.75 पॉइंट सेवन फाइव टू वन पॉइंट टू फाइव माइक्रोमीटर्स तक जा सकता है अभी जो मैंने कॉकाई वगैरह की बात किया वो हम अभी करने लगे हैं तो शेप ऑफ बैक्टीरिया इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ऑल डिफरेंट शेप्स हैं अब ये डिटर्मेंट है बाय द सेल वॉल एंड द साइटोस्केलेटन अब हर बैक्टीरिया का टाइप का जब डिफरेंट शेप होगा तो वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करेगा इट विल एक्वायर न्यूट्रिएंट्स इन अ डिफरेंट वे अटैच टू सर्फिस इन अ डिफरेंट वे एंड स्विम थ्रू लिक्विड्स इन अ डिफरेंट वे तो आ, पहला ग्रुप है कॉकाई इसमें राउंड होते हैं यानी कि स्फेरिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेस्लाई जो हैं दे आर रॉड शेप्ड यानी कि इनकी लेंथ इनकी विथ से ज़्यादा एक होता है कॉको इधर काको बेसिलस भी आपको नजर आ रहा है यू कैन सी अ हाइब्रिड इट्स अ क्रॉस बिटवीन द टू विब्रियो इज कॉमन शेप्ड अगर आप बेसिलाई को थोड़ा सा कर्व कर लें तो आपको विब्रियो जो है आ, रिजल्ट मिलेगा और फोर्थ है स्पायरोड्स अब स्पायरोट्स है काइंड ऑफ लाइक डी एन ए बहुत लंबे होते हैं और बहुत स्पायरल्ड होते हैं हीलिकल इन शेप ग्राम स्टेन दिस इज द वे ऑफ हाईलाइटिंग कॉलोनीज हम बैक्टीरिया को दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग एक उनके ऊपर हम डाई अप्लाई करते हैं तो उनका कलर डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव फिर जनरली इसके बाद इन दोनों ग्रुप्स में डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया आते हैं तो दिस इज़ अ वे ऑफ सॉर्ट ऑफ नरोविंग बैक्टीरिया डाउन टू कौन सा बैक्टीरिया है लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आ, हमने बस ये जानना है कि जो बैक्टीरिया सेल वॉल है उसकी वजह से आ, कलर डिफरेंट होता है क्योंकि वो इन दोनों टाइप्स में डिफरेंट होती है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होता है और ग्राम पॉजिटिव भी ग्राम नेगेटिव आवे थिन सॉल एंड स्टेन पिंक वॉल ग्राम पॉजिटिव आवे थिक सावॉल एंड स्टेन पर्पल अब इनकी जो केमिकल मेकअप है उसमें भी थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है ग्राम पॉजिटिव में जो ज़्यादा थिक है उसमें पैप्टीडोग्लाइकन ज़्यादा होती है ग्राम नेगेटिव जिसमें जो तिन है वो उसमें पैप्टिडोग्लाइकन कम होती है उसके अलावा जो आउटर मेम्ब्रेन है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती ग्राम नेगेटिव में होती है अब इसी वजह से जो प्रमिबिलिटी है वो ग्राम पॉजिटिव की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव और खुद हिसाब लगाएं अगर एक बैरियर लगा हुआ है तो इट्स ईजियर टू गेट थ्रू देन इफ दर आर टू बैरियर्स जैसे ग्राम uh, नेगेटिव में एक आउटर मेम्ब्रेन भी लगा हुआ है तो प्रम्यूबिलिटी बस यही चीज़ है कि अंदर कोई चीज़ एंटर या कोई चीज़ बाहर कितना ईजिली जा सकता है अब दिस इज़ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जब बेसिकली फॉर एग्जांपल एक सरफेस था उसके ऊपर बैक्टीरिया लगे हुए थे हमने उसके ऊपर स्टेन लगा के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें एक इमेज मिलेगी अब ये हमें नज़र आए आ, आ सकता है या ये आ सकता है या फिर मिक्स्ड आ सकती हैं अगर दोनों तरह के बैक्टीरिया उस सर्फिस पर शामिल हो तो अगर ग्राम पॉजिटिव है यू कैन सी इट्स पर्पल और अगर ग्राम नेगेटिव है तो यू कैन सी इट्स पिंक फैस्चुराइजेशन अब मैंने बताया था कि फ़ूड के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया इनके माइक्रोब्स होते हैं जो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं तो वी ट्रीट फूड विद माइल्ड हीट टू एलिमिनेट फाथिजन्स एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फास्चुराइजेशन इट्स फार्शल स्टेरलाइजेशन स्टेरलाइजेशन इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ तो अगर हम कोई भी जगह या कोई भी चीज़ स्टेरलाइज कर लें कोई पानी स्टरलाइज कर लें तो इसका मतलब है उसके अंदर अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो हम पानी को अक्सर स्टेलाइज करते हैं अब हम ये क्यों करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बहुत ज़्यादा डिजीज़ तो हम उनको कंट्रोल और एलिमिनेट करके वी कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम गेट फॉलिंग इ अब दो मेथड्स हैं एक है फिज़िकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। तो फिज़िकल मेथड में यही है कि हम स्टेरलाइज कर रहे हैं तो दिस इज़ यूजिंग स्टीम ड्राई हीट स्टीम यानी कि मॉइस्ट हीट जो होती है रेडिएशन uh, फिल्ट्रेशन और गैस तो कोई भी जो फिज़िकल मीन्स होती है इट इन्वोल्व हाई टेम्परेचर और, दोनो, uh, dry heat और दोनों ड्राई हीट और स्टीम दोनों इन्वॉल्व करता है अब जो ड्राई हीट है वो ऑक्सीडाइज करता है माइक्रोब की केमिकल कंपोनेंट्स को हमें पता ऑक्सीडेशन से चीज़ें तबाह हो सकती हैं तो इसी ऑक्सीडेशन से वो सेल ख़त्म हो जाता है मॉइस्चर से यानी कि जो स्टीम होती है उससे कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स होती हैं एंड दिस आल्सो किल्स द बैक्टीरिया क्योंकि फिर वो प्रोटीन्स नॉन फंक्शनिंग हो जाती हैं आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गामा रेज यूजली यूज होती हैं टू एलिमिनेट बैक्टीरिया मेथड्स अब केमिकल मेथड्स के अंदर तीन टाइप्स हैं कीमोथेराप्यूटिक्स जो कि एंटीबायोटिक्स होती हैं एंटीसेप्टिक जो कि हम वुंड्स uh, वगैरह पे लगाते हैं और तीसरा है डिसइंफेक्टेंट जो हम फ्लोर uh, और जो किचन सर्फसेज उस तरीके से उन पे लगाते हैं तो ये तीनों चीज़ें बैक्टीरिया को किल करती हैं एक्चुअली अगर हम देखें तो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स में दो तरह की होती है एक है जो किल बैक्टीरिया दे आर कॉल बैक्टेरिया साइडल दैट साइडल मीन्स टू डाई और जो बैक्टीरियो स्टैटिक हैं स्टैटिक मीन्स कि कोई चीज़ वहीं पर रुक जाए तो बैक्टीरियो स्टैटिक किल नहीं करते लेकिन रिप्रोडक्शन को हॉल्ट करते हैं ताकि कॉलोनी या जो बैक्टीरिया वो ज़्यादा ग्रो ना कर पाए तो जो कीमोथेरापूटिक एजेंट्स हैं दे बेसिकली वो बॉडी के अंदर हम ऑरली भी खाते हैं हम आईवी के थ्रू भी लेते हैं यानी कि वो बॉडी के अंदर एंटर करके उसकी नेचुरल डिफेंस सिस्टम को इन्हांस करते हैं और साथ माइक्रोब के साथ डायरेक्टली जाकर इंटरफेयर कर लेते हैं सम एग्जांपल्स आर सल्फोनामाइड्स टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन पेनिसिलिन तो बहुत सुना होगा एंटीसेप्टिक्स ये हम यूज़ करते हैं ऑन लिविंग टिश्यू यानी कि एक्सटर्नली अगर बॉडी पे कहीं पे कट हो तो हम उसके ऊपर अक्सर कोई जैसे डेटॉल एक्सीजन एंटीसेप्टिक या इवन गार्लिक हम लगा सकते हैं तो ये चीज़ें जो है हम लगाते हैं तो वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता और तीसरा है डिसइंफेक्टेंट्स अब ये हम नॉन लिविंग सर्विस पे यूज़ करते हैं जैसे हम फ्लोर पे यूज़ करते हैं या टेबल्स वगैरह जो किचन की वर्क सर्विसज़ है उनको साफ़ करने के लिए तो होता यह है कि अगेन रिडक्शन ऑक्सीडेशन अफेक्ट से माइक्रोब मर जाता है और इसमें हालिजन्स फिनॉल्स और हाइड्रोजन प्रोक्साइड इज़ वेरी पॉपुलर ये तीनों आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स That's all for today's lecture. Thank you for listening and our next topic will be variation in genetics.